He doesn't even care. मैं आईडी मिली समर रुक गया समर रुक गया और मैंने ये दुख भरी कहानी उनको बताई कि मेरा पति 25 ही डोसे खा जाता है. गाइस आपने मेरे चैनल पे ये पहले कभी नहीं देखा होगा. मेरे पहला था आदमी को औरत को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए जैसे मैं प्यारी 15 साल बाद पहली बार जो आग बनाया मैं बढ़िया मेरे प्यारे खूबसूरत दोस्तों. अगर आप मुझको देख के हैरान हो रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि आज ही तो करवा चौथ भी नहीं है एंड कोई दिवाली भी नहीं है, सो आज मैंने ना वीडियो शूट की है ये प्यारा सा न्यू ब्राइड्स के लिए मेकअप. लोग बहुत ज़्यादा लोग मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि नए दुल्हनों के लिए कुछ मेकअप करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप स्पेशल डेज़ के लिए मेकअप आर्टिस्ट हायर कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता कि क्या करें अपने फेस के साथ. एंड फिर कई बार आप ना लोग आपको टीज़ भी करना शुरू कर देते कि शादी वाले दिन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने थे, अब क्या हो गया. और वैसे भी आपको तैयार होकर रहना चाहिए, यू नो अच्छा है शादी के कुछ साल, 5-7-8 महीने साल तक दुल्हन जितना लंबा समय. मैंने देख लो 15 साल हो गया अभी भी मैं हस्बैंड कहते तो दुल्हन बन के घूमती रहनी हूँ. यू नो यही तो है जिंदा दिल बंदे की निशानी, तैयार हो के रहो. सो ओके, ये वीडियो शूट की है मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर से देखें. एंड ये ना मैंने एक कॉट्राय में आर्ट है इस पे रोजेज, आई डोंट नो आप देख पा रहे होंगे या नहीं, कपड़ा लिया था इंडिया से. मेरा मन था कि मैं इसका या ब्लाउज स्टिच करूं या फिर कोई ड्रेस या कुछ, देन ये बहुत ही प्यारा सा मुझे काफ़ी लंबा पीस मिल गया. फिर मैंने इसका कुर्ता ही सिलवा लिया है, आपको दिखाती हूँ मैं. काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड प्यारा है एंड कॉट्राय का है. अभी मुझे पता नहीं मैं इसको पेयर किसके साथ करूँगी. अभी तो इसको मैंने पेयर किया है ये गर्म सर्दियों के पजामे के साथ, पर ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पीस है. एंड या वैसे मैं बहुत बड़ी पिंक की फ़ैन नहीं हूँ, पर सम डेज़ किसी को जब मैं पहना देखती हूँ ना मेरा भी दिल करता है कि पाई लवा यार. आप बताना मुझ पर पिंक कैसे लग रहा है. अब मैं जाने वाली हूँ डाउन स्टेयर, मेरे प्यारे पति को भूख लगी होगी एंड उनसे हम रिव्यू लेते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. उन्होंने कहना मैं तेरे बारे में सोच के थक गया हूँ, मेरे पास नहीं ताकत है सोचने की, पर फिर भी हम लेंगे कि उनको ये मेरा खूबसूरत मेकअप दुल्हन जैसा कैसा लगा. सो या गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, हम रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं आजकल, सो आप मिस नहीं करना चाहते हैं ये प्यारी प्यारी वीडियोस. ओके बाय. यार वो मैं सोचा ही तो यही कहना अभी करवा चौथ आज. तो बिजी है किद्दा लगन गया भाई सुधारी प्यारी है, मैं दुल्हन बन के आई हूँ तेरे लिए प्यारी है. Too late. क्यों प्यारी, एक बारी मैं पहला भी तेरे लिए दुल्हन बन के आई थी. No, I'm busy. No. रावण क्यों फील नहीं आती बैकस्टेज हुआ बैकस्टेज की है कहे तू फ्रंट स्टेज है मेरी दस हो गए विचार. गाइस हस्बैंड के रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इतना लिया कि जिद्दा हस्बैंड ही डजंट इवन केयर. मैं आईडी मिली समर रुक गया मनु आया जब मैं इतने पता नहीं सदियों को बैठा मूली ने परांठे बना के खावा देखी देखी कितनी खुशी आई नहीं मेनू में नहीं आई
मूली के परौंठे ले आई। वाओ तेरे आई है तेरा प्यार। नहीं हूं मैं लेट 30s यार आई लाइक खाना पीना दैट्स इट। प्यारे तो सारी जिंदगी खाने पीने नु प्यार कीता। अगर तू उनक मेनू कीता हुंदा ना तेरी जिंदगी मैं स्वर्ग बना लेनी। और की स्वर्ग बनाएगी प्यारे तेरी जिंदगी स्वर्ग वर्गी है वैसे इन मैं दसंगी हां आई नो मैं तो कहना परमात्मा हर एक नु इदां दी जिंदगी दे स्वर्ग या ये तो कोई चंगे मेरे दादियां परदादियां ने चंगे काम कीते ही जिन्ना दा फल मैं खांदा पर गां आने वालियां मेरीयां पुश्तां ने भी अभी मैंने ना वीडियो शूट की है शी ग्लैम हॉल। बहुत लंबे समय के बाद मैंने हॉल शूट की है एंड काफ़ी दिन हो गए मुझे ये सामान खरीदे। मैं दिखाना चाहती थी एंड आपने ऑलरेडी ये हॉल देख ली होगी क्योंकि ये मैं ऑलमोस्ट सेम ही डे या अदर डे अपलोड कर दूँगी एंड ये व्लॉग थोड़ा समय के बाद आएगा। ये लाइंड अप है। सो ये जो लिप शेड मैंने पहन के रखा है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये है रस्टी मिस्टी नॉट रस्टी इसका नाम है मिस्टी रोज़ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा लिप शेड कभी पहले पहना है। आपको कैसा लगा? सो क्यूट। चलो चलिए गाइस वीडियो एडिट करना शुरू करते हैं एंड डिनर का भी बंदोबस्त करना है। जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं मुझ पर। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूली के परांठे। मतलब खाने के लिए नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ तरीका शेयर करूँगी क्योंकि खाने के लिए तो मेरे पति के लिए पूरे नहीं पड़ेंगे। गाइस एक बार मैंने ना डोसे बनाने शुरू कर दिए मेरे पति के लिए। पति का टेड पर रही ना पर रही ना पर रही ना पति 25-30 डोसे खा गई। मैं तो हैरान रह गई कि ऐसे दोबारा नहीं खाएगा मुझे कि इन्ना डोसा खिलाऊं पति को मैं बना बना के। फिर एक रैंडम आंटी मिली एक दिन हमें आउटसाइड, वो महाराष्ट्र से है और मैंने ये दुख भरी कहानी उनको बताई कि मेरा पति 25-30 डोसे खा जाता है। वो कहते कि सभी ऐसे खाते हैं, यानी मैं भी इतने खाती हूँ। करी वो इतने पतले होते उससे बनता तो है नहीं किसी का कुछ। फिर मुझे लगा कि ये नॉर्मल है एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं डोसे ही नहीं बनाऊंगी अनलेस मुझे बड़ा तवा मिले जिसमें एक बड़ा सारा डोसा बनाए एंड पति को डोसा दे दे। लोग की सारा करंदे प्यारिये। गाइस आपने मेरे चैनल पे ये पहले कभी नहीं देखा होगा, मेरे चैनल की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है कि मेरे हस्बैंड मील तैयार कर रहे हैं। हे गुगु स्टॉप। सो इनको मैंने कहा था कि डिनर तुम कुछ ना कुछ कर लेना बिकॉज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे वीडियो एडिट करनी है। आज मैंने दो वीडियो एडिट की है, एक ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने और एक सुबह करनी है। तो की बना लगे एग ऑमलेट 9 बजे। ऑलरेडी लेट है, मेरा डिनर टाइम हो चुका। संडे हो गया, मंडे रोज खाओ मंडे। हर बहू जे मैं तो डिनर दा करा तो डा डिनर टाइम 6 बजे से मैं 9 बजे लगा बना ले कुछ। पहला तो आदमी को औरत को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए जैसे मैं हूं। उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट मेरे तक कढ़ा लेनिया फिर तो पहले ही चली गया मैं। मुड़गी अंडे तो दिल उड़ जाएगा। बहुत तोड़ करती। ओ गॉड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा अंडा खाने के लिए मन क्यों नहीं करता। जब मैं इंडिया में थी तो मेरा अंडा फेवरेट था और मैं रोज बिना अंडे के नहीं रह सकती थी, हमेशा खाती थी उबला हुआ अंडा ऑमलेट। इनकी वजह से मेरा दिल चक होया है। चलो फ्राई करो स्प्रे। मेरे को नहीं पता चला मेरे को अंडा वधिया क्यों नहीं लगता। इट्स यू जेड़ा कंबा लंगो इतना इतना खा नहीं वधिया बनाऊंगा यार तू दे मुझे। दोस्तों तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाए थे मूली के परांठे, हस्बैंड ने मक्की के रोटी में खाए और मैंने एक गेहूं वाली रोटी में।
एंड मेरे खाने के लिए ना मन्नी और हिम्मत ने लेफ्ट ओवर राजमा खाए. लेफ्ट ओवर राजमा इतने ही थे कि हिम्मत खा पाए. एंड हिम्मत को इतने ज़्यादा पसंद है कि वो हम दोनों के साथ शेयर ही नहीं करता. सो दैट्स डिनर हमारे. मेरा कमाल का अंडा बनने वाला है. हस्बैंड ने अंडा बनाया है. आई डोंट नो कैमरे में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा पर वैसे सोना है. बहू मैं नहीं खाना. मैं नहीं 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 मैं नहीं नहीं पाया. नहीं मैं नहीं खाना बहू. मैं रोटी किथे आ की रोटी ओथे पे है. बढ़िया बना रहा है जा. अपने में तला दिया. मैं एकदम ही बना रहा हूं. ओके मैं अंदर खा रहा हूं. पंद्रह साल बाद पहली बार तो अग बनाया. Okay guys, this is my day.